हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके बजाज ऑटो का एक्सेलेटर केबल अगर टूट गया है तो आप उसे खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं पूरा आउटर सेट को। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो हैंडल के ऊपर में एक कवर लगे रहता है ना, उसको खोल लीजिएगा, वो स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा। उसके बाद ये जो तार अभी निकाले ना, जो एक्सेलेटर वाला हैंडल से निकला है, उसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये जो तार अभी निकाले ना, उसका आउटर सेट को सिर्फ हैंडल से नीचे निकाल लेने का है। इतना सब कर लेने के बाद दोस्तों, अब चलना है इंजन के पीछे की तरफ और वहाँ जो एक्सेलेटर केबल जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको वहाँ से निकाल लेंगे। ये हालांकि आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले आगे खोल लिए हैं, तो अब हम पीछे का खोल के इसको निकाल देते हैं। फिर ये केबल को खींच के फिर हम नया वाला केबल इसके साथ अटैच करके ऊपर खींच लेंगे। तो दोस्तों, ये रहा एक्सेलेटर का केबल, जो कि बजाज कंपनी का ओरिजिनल है ये। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि किस तरीके से इसको लगाया जाता है। इसके बाद अब चलेंगे नीचे की तरफ और वो जो आउटर है ना पुराना वाला, उसमें नए वाले को बांध के उसके बाद इसको ऊपर खींच लेंगे। पुराने वाले आउटर में नए वाले आउटर को बांधने के बाद फिर ये जो जॉइंट है ना, वहाँ पे टेप लगा देंगे। टेप इसलिए लगाएंगे ताकि कहीं पे ये फंसे ना। अब उसके बाद पुराना वाला केबल खींचेंगे, फिर नया वाला केबल उसके साथ खींचा जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नया वाला केबल यहाँ पे निकल चुका है। अब ये नए वाले केबल को ना हैंडल के ऊपर निकालने का है, जहाँ पे वो जो एक्सेलेटर का रहता है ना हैंडल, वहाँ पे निकालने का है। तो देखिए फिर किस तरीके से ऊपर लेके जाया जा रहा है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको हैंडल में लगा हुआ दिख रहा होगा, उसके अंदर से निकालने का है, फिर उसके बाद हैंडल के ऊपर लेके जाने का है। तो दोस्तों, केबल ऊपर आ चुका है, उसमें का जो वायर है ना, उसको हैंडल में लगा देंगे। यहाँ पे जो फंसाने वाला है वहाँ पे फंसा देंगे उसको। तो यहाँ पे ये सही तरीके से फिट हो चुका है। अब उसके बाद चलते हैं इंजन के पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि केबल को किस तरीके से कहाँ कहाँ फंसा के इंजन के पास लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पे केबल को फंसा दिए हैं, उसके बाद अब चलेंगे पीछे की तरफ और वहाँ भी इसी तरीके से फंसाने वाला होगा, उसमें फंसा के फिर उसके बाद इंजन के पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये जो केबल है ना, उसमें से एक नट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये केबल नया है, इसमें दोनों नट पहले से ही लगा हुआ है। तो ये खोल के उसके बाद फिर एडजस्टर को वहाँ पे फंसा के फिर नट को टाइट करेंगे। तो वायर भी इसमें फंसा दिए। उसके बाद दोस्तों क्या करनी है ना, ये जो मुंह यहाँ पे निकला हुआ है ना, इसको कुछ इस प्रकार से दबा देंगे प्लास से, नोज प्लास से, ताकि ये जो वायर है ना अंदर में हिले ना, इधर उधर ज़्यादा भागे ना। उसके बाद फिर एडजस्टर को टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ना वायर ये ढीला दिख रहा होगा, तो इतना ढीला इसको रखना पड़ता है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं एक्सेलेटर को घुमा के। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्सेलेटर सही तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेलेटर केबल को किस तरीके से लगाने का है। तो ओके दोस्तों, वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।